कामिनी जी ने नींबू पानी इस नींबू से बनाया था। हे माता रानी, ये तो जादुक नींबू है। जादू टोने वाला नींबू। अगर आप सबको वो मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, अभी सब कुछ साफ हो जाएगा। घंटी बेटा, नींबू पानी पियो। नहीं, नहीं, घंटी नहीं, छोड़ो, घंटी मत पियो, घंटी, घंटी मत पियो। छोड़ो हमारा। घंटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ? मेरी तबीयत तो सही है और ये बहुत अच्छा था। थैंक यू मम्मी। देख लिया? अब ये भी देखो, ये देखो, नींबू काटते वक्त उंगली कट गई थी मेरी, इसलिए वो नींबू लाल हो गया था। मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। मिश्री, मैं क्यों करूंगी ऐसा अर्जुन के साथ? मैं कैसे उस पर काला जादू कर सकती हूँ? और ये तो मेरा बेटा है, मैं ऐसे कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? दादी जी, मिश्री मुझसे इतनी नफरत करती है कि आज उसने मेरी ममता पे उंगली उठाई। दादी माँ, हमने तो बस तुझे अपना के हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। अब अगर तू अर्जुन या घंटी के पास गई या तूने कामिनी पे बेहुदा इल्जाम लगाए तो हम अपनी भूल सुधार लेंगे। अब ये सिर्फ अर्जुन और घंटी से दूर किया है, इसके बाद हम तुझे पूरे परिवार से दूर कर देंगे। दादी प्लीज, सिंजू को बहुत कुछ कर है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अर्जुन बेटा, इसका साथ देने से तुझे सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां मिली। कुछ दिन इसका साथ छोड़ दे बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सिंजू को छोड़ के नहीं जाना। नहीं अर्जुन, चल हमारे साथ। मुझे सिंजू को से दूर मत करो। सिंजू, अर्जुन।